हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं काविश प्रोडक्शन की एक एक्टिंग क्लास की स्टूडेंट हूँ और एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रिसेंटली जो हमारा नया ड्रामा चल रहा है मेरे पास तुम हो, उसके रिव्यू के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताऊँगी कि उसकी स्टोरी बेसिकली क्या है, पिछली 3 एपिसोड्स में हमने क्या देखा और इन द फ्यूचर उसमें क्या होने वाला है। हमने अभी तक तो हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि एक हस्बैंड वाइफ हैं जो बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। हस्बैंड जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब करता है किसी ऑफिस में और इतना ज़्यादा फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी जो वाइफ है उसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी विशेस बहुत ज़्यादा हैं। एक्सट्रीम पे जाकर वो सोचती है कि मुझे लाखों का नेकलेस चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। उसकी फ्रेंड आकर उससे जो बातें करती है तो वो उसकी फ्रेंड जो है उसकी तरह बनना चाहती है कि वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग है, मैं क्यों नहीं हो सकती, मेरे बच्चे का एडमिशन किसी बहुत बड़े स्कूल में क्यों नहीं हो सकता। तो अब तक जो हमने इन 3 एपिसोड्स में देखा है वो अपने हस्बैंड से ज़्यादातर नाराज़ ही रही है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मुझे इस चीज़ की ख्वाहिश थी। एक नेकलेस के पीछे उसने इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की है अपने हस्बैंड के साथ। फिर उसकी फ्रेंड के भाई की शादी होती है, जिस तरीके से मायो सेरेमनी और वो बारात वो जो चल रहा है उसमें अदनान सिद्दीकी की जो एंट्री होती है उसमें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया है, तो वो उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो है ही बहुत खूबसूरत। तो लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अदनान सिद्दीकी की पर्सनैलिटी से इंस्पायर हो रही है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एक फेम है, जिस तरीके से वो ख्वाहिशात रखती है वो उसके साथ जाके उसकी पूरी हो सकती हैं। तो इन द फ्यूचर हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ के अदनान सिद्दीकी के पास चली जाए। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया कि क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ। काविश प्रोडक्शन की मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ। हमारे जो सर माजिद हैं वो हमें हर चीज़ को समझा के चलते हैं, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, किस चीज़ को कैसे लेके चलना है। तो बेसिकली उन्होंने मेरे पास तुम हो जो ड्रामा सीरियल है इसकी मेकिंग बताई। हम लोग टीवी पे तो देख रहे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है वो हमें नहीं पता होता। तो उन्होंने हमें इसकी मेकिंग सिखाई कि ड्रामा बनता कैसे, किस तरीके से कैरेक्टराइजेशंस होती हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, एक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमें समझाई हैं। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास काविश प्रोडक्शन, ये हमारे लिए एक सबसे बेस्ट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए, ज्वाइन करिए काविश प्रोडक्शन को और अपने टैलेंट को आगे लेके जाइए। हम लोग चैनल्स की भाग दौड़ में लगे हुए कि चैनल्स पे आना है, हमने बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे पास, ARY, जियो, हम TV, हम उस पर आना चाहते हैं, लेकिन जो टॉप फ्लोर है हमारा वो फुल है। हमारे पास जो एक्टर्स हैं आयजा खान, सबा कमर, इकरा अजीज़, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, इन्होंने रखा हुआ है अपना एक फेम, वही चल रहा है, हमारे लीडिंग कैरेक्टर्स में वही आ रहे हैं। तो हम लोग जो अपना नया टैलेंट लेके आए हम लोग आगे कैसे बढ़ें, हमारे पास तो यही एक तरीका है कि हम वेब सीरीज़ बनाएं, शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, यूट्यूब पे डालें, जो उनके एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस कर रहे हैं वही हम लोग भी आपको करके दिखा रहे हैं। हमने एक क्लिप बनाया है छोटा सा मेरे पास तुम हो का, उसकी कॉपी की है, वो हम अभी आपको इसमें दिखाएंगे। डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको उसकी बता ही चुकी हूँ, तो आप इस पर गौर कीजिएगा कि उनकी लाइन्स क्या हैं, हमारी लाइन्स क्या हैं, जो पैसे उनको वहाँ से मिल रहे हैं वही पैसे हमें इसकी हिट्स पे मिल रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस रह गया। तो हम भी अपने टैलेंट को आगे लेके जाएंगे, यूट्यूब के ज़रिए लेके जाएंगे, वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप पाकिस्तान के नए टैलेंट को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। और कैसे आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, काविश प्रोडक्शन के थ्रू। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। मुझे पता है तुम उससे नाराज हो, पर क्या कैसा लगता होगा कि तुम्हारे शौहर तुम्हें एक मामले का नेकलेस खरीद के नहीं दे सकते, पर क्या करें, मेरी औकात मुझे खाना दे। मेरा भी दिल चाहता है कि दुनिया भर के नेकलेस तुम्हारे कदमों में ला के रखो। मैंने कब कहा कि मुझे नेकलेस खरीद के दो, वो तो बस वैसे अच्छा लगा, सोचा कभी खरीद लूंगी, और ना भी खरीदा तो मर नहीं जाऊंगी। चलो अब सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है, हमेशा मंडे को लेट हो जाते हैं। मेरी बेबसी पे तरस आ रहा है तुम्हें,